लो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो आज के दिन यहाँ पर ईसीएस टीटेन साइप्रस का पहला मुकाबला होगा जो खेला जाएगा तेलुगु 11 वर्सेस अल फतेह क्रिकेट क्लब के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी जानकारी वीडियो के अंदर दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ये जो मुकाबला है स्टार्ट होगा यहाँ पर 10:30 बजे मॉर्निंग में, और मैच जो है सेम वेन्यू पर खेला जाएगा जहां पर अब तक के सारे मुकाबले खेले गए हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाइयों, कि अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट सारी की सारी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, जैसे कि ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर और फाइनल टीम। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट सारी के सारी यहीं पर आने वाली हैं। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो सेम वेन्यू पर यह मैच खेला जाएगा, लिमसल में ही। 31 मुकाबले हो चुके हैं, 19 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 12 में चेज हुए हैं। मतलब बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन ज़्यादा फर्क टॉस का यहाँ पर पड़ता नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल विकेट होता है, एवरेज स्कोर यहाँ पर 90 से 130 के बीच में बनता है। अब देखो, पहले बात करेंगे तेलुगु 11 की टीम की। तो इनकी जो टीम है, इनकी तरफ से ओपनिंग करने चाहिए रेड्डी, चिलकुरी, चेतन शाह आने चाहिए, फिर विमल कंदूरी, गोपाल रेड्डी राय, हितेश तड़ानी, सुबा रेड्डी अलवाला, अशोक वेम्पति, चरण नल्लूरी, गोपी कृष्ण, महेंद्रा रेड्डी और अशोक यहाँ से सुधीर रेड्डी। तो ये इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रहना चाहिए विद बैटिंग ऑर्डर। बाकी जो ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर आएगा उससे अपन को आइडिया और भी लग जाएगा। अब देखो, रेड्डी चिलुकुरी जो है ना, इसने T10 का एकमात्र मैच खेला, उसमें डिड नॉट बैट रहा है, लेकिन अपने क्लब के लिए इसने ओवरऑल 32 मैच खेले जिसमें 341 रन, 13 का एवरेज, 3 विकेट है, तो उतना कोई खास रिकॉर्ड इसका है नहीं। चेतन शाह है, बैटिंग कर सकता है, 25 मैच में 371, 16 का एवरेज है, 2024 में 9 मैच में 155 है, और ओवरऑल क्लब के लिए 35 मैच में 700 रन है। ये मतलब ना कंसिस्टेंट थोड़ा कम रहता है, आप देखो एक है, दो है, फिर 48, फिर 10-0, मतलब 4-5 मैच में एक बड़ी पारी खेलती फिर फ्लॉप होता है, वैसा प्लेयर है। विमल कंदूरी एक बहुत शानदार ऑलराउंडर प्लेयर है, आप सिर्फ इसका 2024 का रिकॉर्ड देखो, 9 मैच में 149 रन और 6 विकेट है 16 ओवर डाल के, जो कि बहुत शानदार रिकॉर्ड है। रिसेंट फॉर्म 23-2 विकेट, 16-0 विकेट, 18-0 विकेट, 21-1 विकेट है, बढ़िया फॉर्म भी है इसका, इंपॉर्टेंट प्लेयर। गोपाल रेड्डी राय, ये जो बंदा है बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी देगा, अपने क्लब के लिए 16 मैच में 116 रन, 13 का एवरेज है और 13 विकेट इसके नाम है 28 ओवर डाल के, मतलब बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करता है। हितेश तड़ानी है, ये भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, ओवरऑल 56 मैच में 336, 44 विकेट है, 2024 में 9 मैच में 16, 11 विकेट है 16 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट है। सुबा रेड्डी अलवाला T10 में 9 मैच में 23, 3 विकेट है, ओवरऑल क्लब के लिए 29 मैच में 413, 28 विकेट है। रिसेंट फॉर्म देखोगे लास्ट के 5 मैच में ना बैटिंग ना बॉलिंग इसको मिली है। तो यहाँ से अभी के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है, चेतन शाह, विमल कंदूरी, गोपाल रेड्डी राय और हितेश तड़ानी, ये जो 4 प्लेयर है ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से रहने चाहिए। नेक्स्ट जो प्लेयर है अशोक वेम्पति है, ओवरऑल अपने क्लब के लिए 1 मैच खेला है उसमें 16 रन है। चरण नल्लूरी, ये भी बॉलिंग करवा सकता है, 24 T10 में 11 विकेट है 35 ओवर डाल के, और ओवरऑल क्लब के लिए 26 मैच में 21 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट है। गोपी कृष्णा, ओवरऑल क्लब के लिए 5 मैच में 56, 0 विकेट, कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। और यहाँ से ये महेंद्र रेड्डी है, यहाँ पर नाम डिजाइनर से मिस हो गया, ये महेंद्र रेड्डी का नाम है, आप जाके देख लेना पीछे प्लेइंग 11 में, इनके नाम ओवरऑल 7 मैच में 70, 3 विकेट है। और अशोक सुधीर रेड्डी के नाम 4 मैच में 6 रन, 1 विकेट है। तो यहाँ से सिर्फ एक प्लेयर इंपॉर्टेंट है, चरण नल्लूरी, बाकी कोई उतना खास प्लेयर नहीं जिसको आप टीम में रखना चाहो। ये इनके बेंच के प्लेयर्स हैं। बेंच के प्लेयर में अगर आप देखोगे तो शिवापति हैं, T10 में 1 मैच में 11 रन, 0 विकेट है, 2 ओवर डाल के, मतलब जब खेला था तो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों चीजें इसने की थी, ओवरऑल क्लब के लिए 31 मैच में 326, 28 विकेट है, खेलेगा तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। अब्बास काजी हैं, 6 T10 में 4 विकेट है, 8 ओवर डाल के, ओवरऑल क्लब के लिए 8 मैच में 8 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट है। राहुल शुक्ला 40 T10 में 27 रन, 5 विकेट है, 19 ओवर डाल के, उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग, 8 नो बैटिंग, नो बैटिंग, नो बैटिंग, नो बैटिंग है।
वेंकटा रेड्डी इमानी हैं। एक मैच में 11 रन है T10 में और यही एकमात्र T10 का मैच है खेला है। यहाँ से हरीश ककीता 7 T10 में 3 विकेटें 11 ओवर डाल के ओवरऑल 7 मैच में 12 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट है। प्रिंस राय अगर खेलेगा तो पावर प्ले में बॉलिंग देगा। 22 T10 में 16 विकेट है, 2024 में 4 मैच में 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट है। इनके अलावा कुछ और भी इनके बेंच के प्लेयर्स हैं, जैसे संतोष मंडा है, इसके नाम 7 मैच में डिड नॉट बैट है और ओवरऑल क्लब लेवल पर 17 मैच में 41, रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 9 बैटिंग 9 बैटिंग 9 बैटिंग है। इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर डालनी चाहिए चरण नल्लूरी, हितेश तड़ानी, डेथ में आनी चाहिए यहाँ से हितेश तड़ानी, विमल कंदूरी और यहाँ से गोपाल रेड्डी राय। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि अल फतेह की टीम की, तो इनकी जो टीम है यहाँ से मोस्ट लाइकली ओपन करने चाहिए रसब शेर और उनके साथ में वकास अख्तर, फिर अबू बकर सिद्दीकी, वकास अजीज, तसव्वर हुसैन, आवेश सुलहारी, आसिफ महमूद, उमर फारूक, मोहम्मद तजमल, फहाद महमूद और फैजान अली। तो ये इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। स्टैट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखो रसब शेर और वकास अख्तर ओपन करने चाहिए। रसब शेर 17 T10 खेला है, 86 रन है, 2024 में 11 मैच में 50 रन है, रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 3 नो बैटिंग 16 नो, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। वकास अख्तर एक कैप्टनसी का बहुत अच्छा चॉइस है क्योंकि बैटिंग के साथ साथ पूरे 2 ओवर डालता है। आप देखो 2024 के अंदर 8 मैच में 239 रन और 7 विकेट है 16 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म 43 2 विकेट 33 0 विकेट 66 1 विकेट 4 2 विकेट, बहुत शानदार प्लेयर है। अबू बकर सिद्दीकी देखने को मिलेगा आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में, लेकिन लास्ट सीजन ना ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करवा रहा था। आप देखो 2024 में 11 मैच में 301 रन, 6 विकेट है 7 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म भी आप देखो 1 1 विकेट 29 13 2 विकेट 68 16 2 विकेट है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। वकास अजीज ओवरऑल अपने क्लब के लिए 5 T20 के मैच खेला उसमें 39 रन, कोई खास रिकॉर्ड है नहीं। तस्तवर हुसैन ये बॉलिंग करवाएगा मेरे हिसाब से बिल्कुल, 2024 में आप देखो 11 मैच में 46 रन और 8 विकेट इसके नाम है 17 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म 43 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 9 बैटिंग है। आवेश सुलहारी ये भी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों चीजें करेगा, 2024 में 11 मैच में 95 रन, 7 विकेट है 19 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म 0 0 विकेट 33 0 विकेट 2 विकेट 1 0 विकेट है। तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ, वकास अख्तर, अबू बकर सिद्दीकी, तसव्वर हुसैन और यहाँ से आवेश सुलहारी, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये चीज आप ध्यान में रख के चलिएगा। नेक्स्ट जो प्लेयर है आसिफ महमूद, ये भी विकेट टेकर है। आप देखो 2024 में 4 मैच में 93 रन, 5 विकेट है 8 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म 40 2 विकेट 28 1 विकेट 5 1 विकेट 20 1 विकेट, बहुत बढ़िया प्लेयर है। उमर फारूक बॉलिंग करवाता है, हालांकि विकेट इसको थोड़े कम मिलते हैं। आप 2024 में देखो 6 T10 में 60 रन, 2 विकेट है 11 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म 7 1 विकेट 1 0 विकेट 0 0 विकेट 12 0 विकेट है। मोहम्मद तजमल 2024 में 11 मैच में 53, 4 विकेट है 17 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म 0 1 विकेट 18 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 24 1 विकेट है। फहाद महमूद क्लब के लिए 7 T20 में 15 रन और फैजान अली क्लब के लिए 7 T20 में 17 रन है। तो यहाँ से ये जो 3 प्लेयर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी बेंच पर जो प्लेयर है मुदस्सर अली है, 1 T20 का मैच खेला है क्लब के लिए जिसमें डिड नॉट बैट है। मोहम्मद निजाम 3 मैच खेला है क्लब के लिए जिसमें 0 विकेट है 4 ओवर डाल के, आकिब शाह 1 मैच खेला है जिसमें डिड नॉट बैट है। बाकी जो ये प्लेयर है ना ये सब स्क्वाड में तो इनके थे, नाम भी अवेलेबल थे इनके, लेकिन ये सब प्लेयर ना खेले नहीं थे एक भी मैच क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला था वहां पर खेलने का। स्टार्टिंग ओवर डालते हैं आवेश शुलारी, टी हुसैन और मोहम्मद अजमल, डेथ में मोहम्मद अजमल, अबू बकर सिद्दीकी और आसिफ महमूद आने चाहिए। अब देखो एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है और सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट सारी के सारी यहीं पर आएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल के लिए डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है अबू बकर सिद्दीकी, यहाँ से गोपाल रेड्डी राय, विमल कंदूरी, वकास अख्तर, आवेश शुलहारी, उमर फारूक, आसिफ महमूद, हितेश तड़ानी, मोहम्मद तजमल, चरण नल्लूरी और तसव्वर हुसैन को मैंने रखा हुआ है। कैप्टन मेरे वकास अख्तर, वॉइस कैप्टन अबू बकर सिद्दीकी। बाकी फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।